सबसे खूबसूरत रिश्ता है? पूरे ब्रह्मांड में क्या इससे खूबसूरत आपने कुछ पाया है कभी? कभी कोई समझ नहीं सकता कि ये कब, क्यों, कैसे और कहां हुआ। पर दो स्ट्रेंजर्स, दो बिल्कुल अनजाने लोग, दो सबसे अलग लोग धीरे धीरे एक दूसरे की धड़कन बन जाते हैं, एक दूसरे की आत्मा बन जाते हैं। कितने सारे रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं ना दुनिया में, पर कभी आपने सोचा है कि ये दोस्ती का रिश्ता कैसे आता है? वो हमारा एक फैमिली होता है जो हमारी फैमिली से कितना दूर होता है। इस क्रूएल से दुनिया में, इस क्रूर से दुनिया में, इतने कठिन जिंदगी में वो हमारा एक एस्केप होता है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों के बिना लाइफ कितनी नीरस हो जाएगी? और धीरे धीरे बिना सोचे बिना समझे ये कुछ अनमोल रतन हमारी जिंदगी के कितने अहम, कितने इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, कितना गहरा रिश्ता हो जाता है हमारा इनसे। लोग हमेशा कहते हैं फॉलिंग इन लव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग। क्या आपको लगता है ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। कभी दोस्ती में पढ़कर देखिए, फॉल इन फ्रेंडशिप कंप्लीटली एंड डीपली एंड यू विल नेवर रियलाइज देयर इज समथिंग मोर बेटर, मोर ब्यूटिफुल एंड मोर ग्लोरियस देन दिस। और एक बात हमेशा समझिए कि ये जो कुछ रतन है ना आपके जिंदगी के, ये कुछ नमूने, ये बहुत कम होते हैं और ये जेम्स होते हैं आपके जीवन के। चाहे कितना भी आप ढूंढ लें, मिलेंगे बस कुछ ही इस पूरे लंबी जिंदगी के इस सफर में। और अगर मेरे इतने कहने पर आपको ऐसा कोई भी याद आता हो, कोई भी ऐसा जो आपके ख्याल में आ रहा हो मेरे इस बातों को सुनते हुए, तो उसे कभी खोइएगा मत। चाहे कितनी भी गलत फहमी हो, चाहे कितना भी बड़ा रीजन क्यों ना हो, पर वो रिश्ता जो आप शेयर करते हैं, वो जो बॉन्ड आप शेयर करते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्ट्रांग होता है एक छोटा सा कोई भी रीजन उसको तोड़ देने के लिए। उसे पकड़ कर रखिएगा, कभी जाने ना दीजिएगा, क्योंकि वो कितने बहुमूल्य हैं आपके लिए आपको भी नहीं पता। वो आपके और आप उनके सुकून हैं। सही कहा गया है, अगर इश्क में जुनून है तो दोस्ती में सुकून है। तो दोस्तों, अगर वैसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको अभी याद आ रहे हो, तो grab it tight because it's your right. You will never find a better solace and the friendship with which you survive. Thank you everyone.